बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का लोग बहुत ज़्यादा लेट है, लगभग 6 बज गई और अब ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। सो अभी देखते हैं। बाकी आप जानते हैं परसों भी रोज़ा खुलवाया था मस्जिद में, रोज़ा इफ्तारी थी, कल भी रोज़ा इफ्तारी थी और आज भी रोज़ा इफ्तारी है। अब मेरे को नहीं पता कौन खुलवा रहा है, लेकिन अमान ने फ़ोन किया है कि कोई ना कोई तो रोज़ा इफ्तारी करवा रहा है, तो भाई सबको बुलाया तो आ जाओ, उसका वेट कर रहे हैं, वो आए तो फिर जाएँ। चलो उसको फ़ोन करते हैं। वो मेरे सामने खड़ा है, मेरे को दिखा भी नहीं और मैं फ़ोन कर रहा हूँ उसको, बताओ आ रहा है, अंदर जाएगा फिर आएगा। फाइनली ये लड़का आ गया है 10 मिनट इंतज़ार कराने के बाद। ए, क्या बात है छोरे, कल मेरा सुनो बताइए। बाकी आराम से चल तू, वरना गोबर में पड़ जा, फिर से नहाना पड़ा, फिर जाना पड़ा। अब मेरा क्या है, सुबह से ब्लॉग बना बना तो वो थोड़ा सा कंटेंट तलाश में ढूंढता हूँ। मैं तेरे को जाए दिया पकड़ ले, जाए दिया वो नहीं यार, जाए दिया थप्पड़ चिप रही है। अपनी मनमाने उसकी मन है रोजा इफ्तारी के लिए किस तरह किस तरह भर भर का लकड़ी होगा वो हम जलाएंगे। इसी लकड़ी मिला है। अच्छा और कुछ है? और इस आदमी सारे आदमी मिला हमारे गाँव में। एक आदमी मिला जो तुम्हें फेमस करा, बताओ। बहुत जोर का काम है पूरा दुनिया में फेमस होगा। 15 आदमी 13 बच्चे के वो उल्टी से हो गए, 30 हो गए पूरे, 30 हो गए, 30 के हो गए, 40 हो गए, 40 तक बना हुआ है। इतने सालों को नजर आज क्या हो जाएगी जब आजकल तो देखो बोले आज कुछ बोले आज तक बोले गाइस गाइस ये हमारी है और ये हम है। लोगों को पता है इतने दिन हो गए यार। इधर रोजा इफ्तारी से पहले रोजा खोलिए तुमको है। गाइस ये इफ्तारी पड़ी है, बेसिकली ये तो फायदा नहीं है कि क्या करें, तो हम खा लेते हैं, इससे और क्या दिक्कत है। बोलो हाँ।
कौन बोला?